दिस इज पारिथोसनिंग आई स्पीक अबाउट मनी आज अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हो यू विल फाइंड क्लेम सेटलमेंट रेश एट मैनी प्लेस देर क्लेम एक्सपीरियंस दिस पॉलिसी सर हैज क्लेम सेटलमेंट रेशो ऑफ नाइंटी नाइन परसेंट सर दिस पॉलिसी क्लेम सेटलमेंट रेशो ऑफ नाइंटी नाइन पॉइंट फोर परसेंट सर बिलीव मी गाइज दिस क्लेम सेटलमेंट रेशो इज नॉट द रियल इंडिकेटर टू चूज द बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर यू ये टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले जो आप क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते हो दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ द इंश्योर ट्रू पिक्चर ऑफ द क्लेमिंग एक्सपीरियंस सर सपोज करो मैं अगर बोलता हूं कि मेरी आ, ये इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग अ क्लेम सेटलमेंट रेशो ऑफ नाइन्टी एट परसेंट तो वॉट डू थिंक इसका मतलब क्या है क्या इसका मतलब यह है कि इफ Something happens to me, so there is a 98% probability that my nominee or my beneficiary will get this claim amount. Nahi. So hai kya claim settlement ratio. So claim settlement ratio is just the number that represents how many number of policies claim, how many claims the insurer received, and how many claims they have paid in the past financial year. This is just the number, and on the basis of the last past. यर डेटा अब सवाल आएगा तो सर तो क्या हो गया बात ठीक है नंबर ऑफ क्लेम्स अगर बता रहे हो ज्यादा है तो ये तो अच्छी बात है नहीं सर इसमें कुछ फ्लॉस है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा सबसे पहला फ्लॉ सर जो ये आप क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते हो ना दिस क्लेम सेटलमेंट रेशो जैसे मैंने बताया नंबर्स पर है बट अगर इफ वी लुक इथ द डेटा ऑफ क्लेम सेटलमेंट अमाउंट इन वैल्यू एंड परसेंटेज अगर हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट वैल्यू के परसेंटेज की तो देस आर ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू नंबर्स मैं आपको अभी जस्ट रिसेंटली जो आई का अनवल रिपोर्ट है क्योंकि आई हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है इसका डिस्क्रिप्शन में हालांकि मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा उसमें पूरी डिटेल्स मैंशन होती है कि कितना क्लेम आया कितना क्लेम पेड हुआ कितना नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ क्लेम्ड आई कितनी नंबर ऑफ़ पॉलिसीज पेड हुई कितनी रिजेक्ट हुई उसी डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ एच लाइफ की बात कर रहा हूँ हालांकि एच डी लाइफ से मेरी कोई मैं आई एम नॉट अंगेस विद द एच डी लाइफ बट फिर भी क्योंकि मुझे एग्जाम्पल आप लोगों को समझाना है इस वजह से मैं एच डी लाइफ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि इस क्राइटेरिया में वो बिल्कुल फिट बैठता है तो सर अगर एच डी लाइफ की बात करें तो जैसे कि नॉर्मली हर कोई इंसोर आपको यही बोलेगा और ऐसे एच डी लाइफ भी है सर दे आर गिविंग अंटी नाइन पॉइंट जीरो फोर परसेंट क्लेम सेटलमेंट रेशो दिस इज द नंबर ऑफ द पॉलिसीज बट वहीं अगर हम बात करें क्लेम सेटलमेंट अमाउंट वैल्यू इन नंबर इन परसेंटेज दिस इज नाइंटी वन पॉइंट नाइन टू परसेंट तो दे इज अ डिफरेंस ऑफ नाइन परसेंट इन द क्लेम सेटलमेंट रेशो इन द क्लेम सेटलमेंट वैल्यू इन परसेंटेज चलो एक बहुत बड़ा इंश्योर जो एल आई सी मैं फिर बोल रहा हूँ आई एम नॉट अगेंस्ट विद दीज पॉलिसीज़ सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना है इस वजह से ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने टर्म इंश्योरेंस एल से लिया हो कोई दिक्कत नहीं है कोई बुराई नहीं है लेकिन ये मैसेज ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ ये समझ में आना ज़रूरी है अगर एल की बात करें जिनका मैक्सिमम मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा पॉलिसीज डेफिनेटली वो शेयर कर इंडिया में सेल करते हैं बहुत सारे एजेंट्स हैं इंडिया में एल के अगर मैं बात करूँ एल की तो उनका दे क्लेम 97.79 परसेंट क्लेम सेटलमेंट रेशो बट वहीं अगर हम बात करें इनके जो क्लेम अमाउंट आया है और कितना क्लेम अमाउंट पेड हुआ है इन वैल्यू में तो दिस इज नंबर ऑफ 95.32 परसेंट तो लगभग ये चार परसेंट चलो चार परसेंट मान लेते हैं तो चार परसेंट के हिसाब से भी अगर मैं मान लू ना सर तो देखो सर नंबर पॉलिसी जो इन्होंने सोल्व की है डेटा के हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी नाइन हंड्रेड फिफ्टी इतनी पॉलिसीज़ का नंबर ऑफ पॉलिसीज का क्लेम आया है और उन्होंने जो पेड करी है सेवन लैख थर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट इतनी नंबर ऑफ पॉलिसीज पेड करी है तो अगर हम बात करें अमाउंट की कि कितना पॉलिसी का अमाउंट पे करा है तो दिस नंबर इज़ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री अगर इसका चार परसेंट का भी जो डिफरेंस दिखा दें तो लगभग ये अमाउंट होगा इट वुड बी मोर देन 500 करोड़ प्लस 500 करोड़ प्लस अमाउंट जो क्लेम पेड नहीं हुआ है रिजेक्ट हुआ है और मैं ये बता रहा हूँ आपको क्लेम सेटलमेंट अमाउंट और वैल्यू की परसेंटेज के बेसिस पर तो पहला रीजन है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको ट्रू पिक्चर नहीं बताता दिस विल नेवर हेल्प यू टू चूज द बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान इसके बेसिस पर टर्म इंश्योरेंस आपको नहीं लेना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फैक्टर्स भी आपको देखने चाहिए चलो यह तो हो गई आपकी कि सर पहला रीजन दूसरा रीजन सर क्यों दूसरा रीजन में आपको बताता हूं सर क्लेम सेटलमेंट रेशो does not help you to choose the best term insurance plan because जो ये claim settlement ratio आप देखते हो ना इस claim settlement ratio में जो number of policies included है it includes money back it includes endowment plan, ULIP plan जितने भी term insurance जितने भी insurances के claim आए हैं वो सारे claim settlement ratio में ही आते हैं यहाँ हम जब claim settlement ratio की बात करते हैं तो most of the time जितने भी हम आ, हमारे investors है mostly जब हमें टर्म इंश्योरेंस लेना होता है तो हम क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते हैं जब हम यूलिप इंडोमेंट और बाकी जो आपकी गॉरंटिड सेविंग प्लान्स हैं उनमें हम देखते हैं मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा रिटर्न्स कितना मिलेगा वहाँ क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात नहीं होती लेकिन जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो क्लेम सेटलमेंट रेशों की बात आती है लेकिन उन्हीं पॉलिसीज का मनी बैक इंडोमेंट यूलिप्स जो कि सबसे ज़्यादा पॉलिसी सेल की जाती है ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे कमीशन ज्यादा है वो पॉलिसीज का नंबर भी आपका क्लेम सेटलमेंट रेशो में इंक्लूड किया जाता है यानी एक्चुअल में आपको मालूम ही नहीं है कि जो टर्म इंश्योरेंस जो रियल प्रोडक्ट है जो आप लेने जा रहे हो जिसके बेसिस पर आप टर्म इंश्योरेंस चूज कर रहे हो उसमें रियल नंबर क्या है उस क्लेम सेटलमेंट रेशो में एक्चुअल में क्लेम सेटलमेंट रेशो में कितनी टर्म पॉलिसीज़ है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है ये एक्चुअल में आपको नहीं मालूम और ये निकालना भी मुश्किल है ये एक्चुअली डेटा अवेलेबल है ही नहीं आईडिया धीरे धीरे हालांकि बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है बट अभी इन दिस राइट नाउ जितना भी क्लेम सेटलमेंट रेशो आप देखते हो इसमें सारी पॉलिसीज सारे डेथ क्लेम्स हर पॉलिसीज़ का वो सब क्लेम सेटलमेंट रेशो में ही दिखाया जाता है तो एक्चुअल में जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है दिस क्लेम सेटलमेंट रेशो इज नॉट बिलोंग टू टर्म इंश्योरेंस तो सर अब बात आती है तो फिर सर अब हम इसे एनालिसिस कैसे करें हमें कैसे मालूम चलेगा क्लेम सेटलमेंट रेशो में कितना पॉलिसीज टर्म इंश्योरेंस का है और कितना बाकी पॉलिसीज का तो सर इसके लिए आपको एवरेज क्लेम अमाउंट देखना चाहिए और हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में आई uh, डी रिपोर्ट भी पब्लिश करता है या इवन आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर मैं बात करूं एच डी एफ सी लाइफ की कि जितने नंबर ऑफ़ पॉलिसीज आई है जितना क्लेम अमाउंट आया है और जितना उन्होंने पे करा जितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज पे करी है अगर उसके बात करें एवरेज क्लेम अमाउंट की यानी हर क्लेम पर एक एवरेज क्लेम कितना है तो दिस इज़ फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड अब सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या आप साढ़े चार लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेते हो मिनी आई थिंक मेरे ख्याल से तो मिनिमम टर्म इंश्योरेंस का कवर ही पच्चीस लाख का होता है तो दिस इज द रीजन जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है इसमें आपकी बाकी पॉलिसीज भी इंक्लूड होती है एवरेज क्लेम अमाउंट से आपको मालूम चल रहा है वहीं अगर हम बात कर ले एल की तो एल तो में भी सर जो एवरेज क्लेम अमाउंट है यानी हर क्लेम पर जो एक एवरेज अमाउंट है दिस इज वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी एट यानी सीधा सीधा मतलब है कि इस क्लेम सेटलमेंट रेशो में आपकी इंडोमेंट मनी बैक जीवन बीमा जीवन लक्ष्य हर पॉलिसी इंक्लूड है क्लेम सेटलमेंट में तो दिस इज द रीजन जो क्लेम सेटलमेंट रेशो आप देखते हो दिस क्लेम सेटलमेंट रेशो इज नॉट द रियल पिक्चर ऑफ द टर्म इंश्योरेंस आपको इसके बेसिस पर अपना टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए हालांकि ये अनुअल रिपोर्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्स में दूंगा आप लोगों के लिए तो सर इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है क्लेम सेटलमेंट रेशो पे अपना डिसीजन मत लीजिए अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99 परसेंट है किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रुपये सेटलमेंट रेशो 98 परसेंट भी है बाकी फैक्टर्स भी देखिए कि वो आपके फेवर में है नहीं है प्राइसिस क्या है पॉलिसीज की डिटेल्स क्या है क्लेम सपोज करिए मान लीजिए सर किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो नाइन्टी किसी कंपनी का नाइन्टी लेकिन क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस 99 वाली का है 15 डेज और 98 वाली का है 3 डेज तो कौन सी पॉलिसी लेना पसंद करोगे तीन दिन में जो क्लेम सेटल हो जाए आप ये इंश्योर करना चाहोगे ना कि मेरे बाद मेरे फैमिली में मेरे नॉमिनी को मेरे बेनिफिशरी को इधर उधर ना भागना पड़े क्लेम के लिए इसी वजह से आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो ना दिस इज द रीजन कि आपको एक अच्छी पॉलिसी के साथ जाना चाहिए और अच्छी पॉलिसी के लिए आपको करना चाहिए कंपेरिजन इन डेप्थ कंपेरिजन सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो के बेसिस पर टर्म इंश्योरेंस आपको नहीं चूज करना चाहिए क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ द इंश्योर दिस इज जस्ट गिमिक्स ऑफ द नंबर तो सर देखो कंपैरिजन करने के लिए ना बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है वले वले। आप चाहे तो इंडिविजुअली जाके करो हर कंपनी का और चाहे तो जैसे नॉर्मली बहुत सारे वेब एग्रीगेटर्स भी अवेलेबल है, है जैसे कि अगर सपोज करो मुझे किसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस का कंपैरिजन करना है तो मैं पॉलिसी बाजार में डिटेल्स डालूंगा या बाकी जगह डिटेल्स डालूंगा जैसे मान लीजिए मैंने पॉलिसी बाजार में जाकर डिटेल्स डाली बहुत सारे इंश्योरेंस लगभग बीस पच्चीस जितने भी इंश्योरेंस सबकी डिटेल्स आ गई कितना प्रीमियम जा, जाना है कितना डिस्काउंट मिल रहा है सारी इंफॉर्मेशन इजली अवेलेबल है, वाल वाल है� तो उसमें सिर्फ आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो भी दिखेगा अमाउंट भी दिखेगा प्रीमियम का कितना अमाउंट देना है कितना डिस्काउंट मिल रहा है क्या कंडीशंस है अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो लास्ट ईयर की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें देखिए कि आपका एवरेज क्लेम अमाउंट कितना है इस बेसिस पर अपना टर्म इंश्योरेंस चूज कीजिए सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो की वैल्यू देख के या ये जो प्रोपोगंडा है ये देख कर चूज मत कीजिए तो बस इतना ही है बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी तब तक के लिए धन्यवाद वंदे मातरम